नमस्कार, मैं हूं सौलभ जी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। अमृतसर में कांग्रेस पार्टी राज्यों में सभी छोटी मोटी पार्टियों के साथ महागठबंधन के लिए जुटी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस के साथ पंजाब में गठजोड़ हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता HS फुलका ने ही संकेत दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो वह आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देंगी। इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता और अमृतसर के विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा है कि HS फुलका सिर्फ और सिर्फ विदेशी फंडिंग हासिल करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में लोगों ने बता दिया था कि सभी सिख कांग्रेस के साथ हैं। यकीन रखते हूँ, क्योंकि फुलका साहब का देश की एकता से अखंडता यकीन नहीं, उन्हों का खालिस्तान यकीन है, खालिस्तानिया यकीन है, और खालिस्तानिया तो बाहरों फंड लै रहे हैं, इसलिए उन्हों का पंजाब दे विचों रिजेक्शन है, देश के लोगों चो रिजेक्शन है। ये कहें कि कांग्रेस सिखा की दुश्मन है। अरे 90% सिखा ने कांग्रेस को वोटा पाइया और अकाली दल का मांझा फेरिया, और अज कांग्रेस सिखां दी पार्टी है, कांग्रेस हिंदुओं दी पार्टी है, कांग्रेस पूरे देश दे लोकां दी पार्टी है। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने विकास भवन सभागार में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताना था, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में BJP सरकार द्वारा चलाए गए सभी योजनाओं और उनसे जुड़े लाभ के बारे में बताते हुए प्रभारी मंत्री ने BJP के 4 सालों के कार्यों का बखान किया। प्रतापगढ़ से कृष्णभान सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादियों के मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मन पसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में DM के निर्देश पर DAOSO ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना मान्यता के चल रहे 17 विद्यालयों पर FIR दर्ज कराई है। बता दें कि जांच के दौरान कुछ ऐसे विद्यालय पाए गए जिनकी कक्षा 5 तक की मान्यता थी, लेकिन उनकी 12वीं तक कक्षा संचालित की जा रही थी। कार्यवाही के बाद से जिले के शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वह इस मामले में DIOS ने बताया कि कुछ ऐसे विद्यालय भी थे जो बिना मान्यता के स्कूल संचालित कर रहे थे। हमारे इस प्रकार के 120 विद्यालय थे जिनको सशर्त मान्यता दी गई थी, उसमें 109 विद्यालय ने इस शर्त को पूरा कर लिया, मान्यता को पूरा कर लिया। 7 विद्यालय में उनमें छोटी मोटी कमियां रह गई थी, उनको नोटिस जारी की गई है कि 1 सप्ताह के अंदर वो इन कमियों को दूर कर लें, और 4 विद्यालय जिनके भवन जहाँ 9 कमरों का बालक था हाईस्कूल मान्यता, यूपी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा माफिया शिक्षा के नाम पर छात्रों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील का है, जहां एक विद्यालय में छात्रों से रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक महिला छात्रों से 5,000 रुपए वसूल रही है। वहीं पूरे मामले में DM ने संज्ञान लेते हुए बताया कि प्रबंधक के अनुसार ये रुपए DL-ED के छात्रों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए वसूले जा रहे हैं, और किसी छात्र से 5,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। फिलहाल मामले में DM महोबा ने जाँच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लखनऊ स्तर से सूचना प्राप्त हुई है कि SK महाविद्यालय जैतपुर में प्रैक्टिकल के नाम पर 5,000 रुपये लेने की शिकायत हुई है। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।